छोटी सी कथा पूरे जीवन को सदियों को बर्बाद कर दिया करती है। आज समाज में बड़ी तेजी से नशे का शैतान आ रहा है, ध्यान रखिए, नशे का राक्षस अपने पंजे फैलाए हुए खड़ा है। दुख तो इस बात का है कि युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में चली जा रही है, नशे की धारा में बहती जा रही है। आज देखिए तुम्हारे बच्चों को, मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि पहले बच्चे जब मेरे दर्शन करने आते थे तो उनके जेब से चावल गिरते थे, नारियल गिरती थी, चटक गिरती थी। आज बच्चा नमोस्तु करता है और जेब के अंदर से मसाले के पाउच गिरा करते हैं, तंबाकू के पाउच गिरा करते हैं। जैसे ही गिरते हैं झट से उठाता है, रखता है। मैं बोलता हूँ ये क्या है? अरे कुछ नहीं महाराज, अरे तू इतनी सी उम्र में ये खाता है, मालूम है क्या बहाना बनाता है? मैं नहीं खाता, धोखे से पापा की शर्ट पहन करके आ गया हूँ। अब बाप के भी यही हाल है, बेटे के भी यही हाल है। क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा इस समाज का? जो समाज नशे को गले लगाती है उस समाज का भविष्य बहुत जल्दी खत्म हो जाया करता है। ध्यान रखिए, नशे की गिरफ्त से इस पीढ़ी को बचाइए। नशे की गिरफ्त से यदि इसे नहीं बचाया, ये नशा जीवन की दशा ही नहीं बदलता है, जीवन की दुर्दशा भी कर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या मिलता है इस नशे से आपको? महाजन कौम, जो समाज में आदर्श जातियां कही जाती है, छत्ती ब्राह्मण वैश्य, इनके घरों में भी नशे ने प्रवेश कर लिया है। ध्यान रखिए, शादी में पार्टियों में बिना हया बिना शर्म के धड़ल्ले से शराब परोसी जाती है। आदमी सोचता है कि हमारी बारात का, हमारी शादी का स्टेटस ये बन गया है कि महंगी से महंगी शराब परोसी जाना चाहिए। पहले शराब अपमान थी, अब ना जाने कैसे तथाकथित लोगों ने इस शराब को सभ्य समाज का अंग बना दिया है। वो पार्टी ही पार्टी नहीं होती है जिसमें शराब ना हो, जिसमें बियर ना हो, जिसमें अंग्रेजी शराब ना परोसी जाए। वो सोचते कि हमारा लो स्टेटस हो गया। ध्यान रखिए, शराबों से भारत की संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है। मानिवर, धड़ल्ले से शराब बिक रही है इस देश में।